गुड मॉर्निंग सबको। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग हर्ष। हेलो, आवाज क्लियर आ रही है? यस मैम। यस मैम। यस मैम आ रही है। बुक निकाल ली हो तुम लोग? हाँ। यस मैम। यस मैम। चलिए ठीक है, चैप्टर 9 आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? यस। स्टार्ट करें? यस मैम। स्टार्ट करें चैप्टर 9 पढ़ना? चलिए ठीक yes, है। यस। हाँ, सब आ गए? यस मैम। स्टार्ट करते हैं, ठीक है? यस मैम। पढ़ते जा रहे हैं, समझाते जा रहे हैं, जहाँ नहीं समझ में आएगा आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है? जहाँ फिर कोई दिक्कत होगी पूछ लीजिएगा। यस मैम। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? बहुत समय पहले की बात है, उत्तानपाद नाम के एक राजा हुआ करते थे। उनकी दो रानियां थी, बड़ी रानी का नाम था सुनीति तथा वह विनम्र व शांत स्वभाव की महिला थी, जबकि छोटी रानी सुरुचि स्वार्थी घमंडी और चालाक थी। राजा छोटी रानी के सौंदर्य और आकर्षण से बहुत प्रभावित थे। सुनीति का एक पुत्र था जिसका नाम ध्रुव था। सुरुचि का भी एक पुत्र था जिसका नाम था उत्तम। समझ में आ रहा है? राजा उसके कानपात की दो रानी थी, जिसकी दो रानी थी, पहली थी सुनीति और दूसरी क्या थी? दूसरी रानी क्या नाम था? सुरुचि, ठीक है? सुरुचि, यस मैम। इसके पुत्र का नाम था, क्या नाम था इसके पुत्र का नाम? ध्रुव। इसके पुत्र का नाम ध्रुव। उत्तम। क्लियर? माइक ऑफ कर दीजिए, बीच में बोलिए मत, ठीक है? जहां नहीं समझ में आ रहा वहीं बोलिएगा, ऐसे मत बोलिए, ठीक? उत्तम था। सुरुचि जो थी, उसकी जो दूसरी वाली वाइफ थी, पत्नी बहुत चालाक थी। उसने स्वार्थ की पूर्ति के लिए सुनीति और ध्रुव को राजमहल से बाहर निकलवाना चाहती थी। सुनीति अपने पुत्र के साथ नगर के बाहर रहने लगी, क्या की जो उसकी छोटी पत्नी थी, मतलब छोटी वाली थी सुरुचि, वो अपनी बड़ी रानी को क्या करती है, बाहर निकलवा देती है और ध्रुव के साथ, ठीक है? सुनीति अपने पुत्र के साथ नगर के बाहर निकल गई। सुनीति अपने पुत्र से बहुत प्यार करती थी। जो सुनीति थी उसका जो पुत्र ध्रुव था उससे बहुत प्यार करती थी। उसका छोटा बेटा ध्रुव भी उसके जीवन की इकलौती खुशी थी। वह ध्रुव को पवित्र ग्रंथों की कहानियां सुनाया करती थी। क्या था कि ध्रुव जो था उसका बेटा, उसको पवित्र ग्रंथों की कहानियां सुनाया करती थी। ध्रुव भी अपनी माता को बहुत प्यार करता, जो ध्रुव था वो भी अपनी माता को क्या करता था, बहुत प्यार करता था। फिर उसके बाद देखो क्या हुआ, लेकिन उसका हृदय अपने पिता के प्यार के लिए तरसता था। उसका हृदय क्या था, वो तो माँ अपनी बेटियों को लेकर बाहर रहने लगी, लेकिन जो बेटा था वो अपने पिता के लिए, उसका मन को उसके प्यार पाने के लिए तरसता रहता था। एक दिन अपनी माता के मना करने के बावजूद दीवा राजमहल में अपने पिता के पास चला गया। क्या था, उसकी माँ बाहर रहने लगी थी अपने बेटे को लेके, लेकिन उसकी माँ ने अपने बेटे को मना किया था कि राजमहल में मत जाना, लेकिन वह अपनी माता को बिना बताए राजमहल में चला जाता है। उसने जैसे ही अपने पिता की गोद में बैठने का प्रयत्न किया, उसकी सौतेली माता ने उसे तिरस्कृत कर दिया। क्या हुआ, जैसे ही वो अपने पिता की गोद में बैठने चलता है तो क्या होता है, उसकी सौतेली जो माँ थी सुरुचि थी, वो क्या करती है, उसको तिरस्कृत कर देती है। यहाँ तक समझ में आया? क्यों, यहाँ तक सबको सही है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। फिर उसके बाद इस बात का ध्रुव को बहुत दुख हुआ। उसने क्या किया, जब उसकी माता सौतेली माता उसको तिरस्कृत करती है, लज्जित कर देती है उसको, तो वो क्या होता है, इस बात को उसको बहुत ही दुख होता है।
उसने अपनी माता से सीखा था कि तपस्या से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। उसने अपनी माता से क्या सीखा था कि जब हम तपस्या करते हैं तो किसी को भी प्रसन्न किया जा सकता है। वहां माता के मना करने पर भी जंगल में तपस्या करने के लिए चला गया। उसकी माँ ने मना किया था कि जंगल में मत जाना तपस्या करने, लेकिन वहां फिर भी बिन बताए चला जाता है। उसके घोर तपस्या से, घोर मतलब होता है बहुत अधिक तपस्या से भगवान प्रसन्न हो गए। क्या होते हैं, जब वो तपस्या करता है तो भगवान क्या होते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। और उन्होंने उसको वरदान दिया कि तुम्हें और तुम्हारी माता को खोया प्यार और सम्मान पुनः प्राप्त होगा। क्या थे, भगवान उससे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं तो उसको आशीर्वाद में क्या देते हैं, प्रसन्न होकर क्या वरदान देते हैं कि तुम्हें मतलब ध्रुव को उसकी माता ज्योति, वो क्या नाम था उसकी माता का, उसकी माता का नाम था सुनीति, ठीक है, सुनीति, हाँ, उसकी माता और को सम्मान पुनः प्राप्त होगा। और तुम ध्रुव तारे के रूप में हमेशा आकाश में तेज चमकोगे। क्या हुआ, उसके भगवान उसको एक और क्या वरदान देते हैं कि तुम ध्रुव तारे के रूप में हमेशा आकाश में जगमगाते रहोगे और तेज चमकते रहोगे। भगवान के आशीर्वाद से ध्रुव को अपने पिता का सिंहासन प्राप्त हुआ। क्या हुआ, जो भगवान ने वरदान दिया था, आशीर्वाद दिया था, उसके वजह से ध्रुव को अपने पिता का प्यार मिलता है। उस पिता के बाद उसको सिंहासन जो राजमहल था वो ध्रुव को मिलता है। और उसने कुशलता और योग्यता से शासन किया। क्या करता, कुशलता से उसके अपनी बुद्धि से वहां राजमहल में वो शासन करता है। उसके बाद जैसा कि भगवान द्वारा उन्हें वरदान मिला था कि वह ध्रुव तारे में परिवर्तित हो जाएगा, इसलिए आज भी ध्रुव तारा आकाश में हमें विश्वास दिलाता है कि ईश्वर के प्रति सच्चा विश्वास और समर्पण कभी भी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। समझ में आया चैप्टर? यस मैम। देखो इसमें ये बताया गया है, इसमें ये बताया गया है कि राजा की दो रानी थी, सुनीति और सुरुचि। वो दोनों दो रानी थी तो दोनों के पुत्र होते हैं, सुनीति के पुत्र थे ध्रुव और सुरुचि के पुत्र थे उत्तम, ठीक है। तो सुरुचि जो थी वो उसके अंदर बहुत ही घमंड था, लेकिन जो सुनीति थी बहुत ही कुशल महिला थी। लेकिन सुरुचि क्या करती थी, सुनीति से जलन की भाव रखती थी तो उसे, और लेकिन राजा क्या थे, वो सुरुचि को ज्यादा मानते थे। तो सुरुचि क्या करती थी, अपनी जो सतेली थी पत्नी को बाहर निकालना चाहती थी, बाहर निकलवा देती अपने उसके पुत्र के साथ। उसका पुत्र कौन था, ध्रुव। तो उसके साथ वो बाहर निकल जाती है, वो दोनों बाहर रहते हैं अपने एक उसमें घर में। लेकिन फिर एक दिन क्या होता है कि उसको ध्रुव को अपने पिता का प्यार पाना रहता है। वो सोचता है कि मैं राजमहल जाऊं, मुझे मेरे पिता प्यार करेंगे। उसकी माँ ने लेकिन इस बात के लिए उसको मना किया था कि वह राजमहल वापस नहीं जाएगा। मना करने के बावजूद भी ध्रुव अपने राजमहल चला जाता है जहां से वो आया था। जब वो जाता है तो देखता अपनी पिता की गोद में जब बैठता है तो उसकी जो सौतेली माँ थी सुरुचि वो उसे तिरस्कृत करती है, ठीक है। तिरस्कृत करने के बाद उसे क्या, अपमानित करना। तिरस्कृत का मतलब क्या होता है, अपमानित करना। तो अपमान करती है उसका, वो बाहर जाने को कह देती है। तो इस बात का ध्रुव को बहुत ही दुख होता है कि मेरी माँ ने मुझे तिरस्कृत किया। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर एक दिन उसकी माँ ने उसको तपस्या करने के लिए भी मना किया था कि जंगल में जाके वो तपस्या नहीं करेगा, लेकिन वो बिन बताए अपनी माँ से वो तपस्या करने के लिए जंगल में चला जाता है। जब जंगल में, क्योंकि वो ये जानता था जो उसकी माँ क्या करती थी, उसे पौराणिक कथाएं सुनाती थी, ग्रंथे पढ़ने के लिए देती थी। तो उसमें लिखा था, उसने कहीं पढ़ा था कि अगर हम तपस्या करते, घोर तपस्या करते तो भगवान हमसे प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसी वजह से वो जंगल में जाता है, घोर तपस्या करता है। जब वो तपस्या करता है तो भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर उसे वरदान देते, क्योंकि भगवान तो सब जानते हैं किसको क्या दुख है, जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो उसे जब वो प्रसन्न होते हैं कि तपस्या से, तो ध्रुव को वरदान देते हैं आशीर्वाद के रूप में। उसे कहते हैं कि तुम्हें पहला जैसा प्यार मतलब राजमहल है, और तुम जो चाहते हो पिता का प्यार वो तुम्हें वापस मिल जाएगा सम्मान के साथ। फिर एक दिन क्या होता है, और एक वरदान और उनको देते हैं कि ध्रुव जो तुम्हारा नाम है ध्रुव,
आकाश में वैसे ही ध्रुव तारा के रूप में जगमगाते रहोगे जैसे तुम तेज बुद्धि के हो। तो जैसा ही भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया तो कुछ दिन बाद वो अपना राजमहल उसको मिल जाता है, पिता का प्यार भी उससे मिल जाता है, वो शासन करने लगता है सम्मान के साथ। और धीरे धीरे जब फिर भगवान का जो दूसरा वरदान था कि ध्रुव तारा के रूप में तुम जगमगाओगे, तो आज भी आकाश में ध्रुव तारा के रूप में वो जगमगाता है। आप लोग ने कभी सुना होगा अपने पेरेंट्स से, अपने भाई बहन से कि ध्रुव तारा के बारे में सुना होगा ना, कि आकाश में एक ध्रुव तारा होता बहुत ही जो तेज चमकीला चमकता रहता है। तो समझ में आया यहाँ तक इतनी चीज? यस मैम, यस मैम, यस मैम। देखो इसका कुछ अर्थ हम लिखवा दे रहे हैं, ठीक है? सौंदर्य मतलब जानते ही हो क्या होता है, सौंदर्य मीन्स होता है सुंदरता। इकलौती मीन्स, इकलौती मीन्स होता अकेली, ठीक? यस मैम। परिवर्तित मतलब होता है बदलना, ठीक है, बदलना। तिरस्कृत मतलब अपमानित होता है, बता चुके हैं। समर्पण मतलब होता है किसी को कोई वस्तु समर्पित होना किसी के प्रति, ठीक है, किसी के प्रति। समर्पित होना, क्लियर है इतनी चीज, ठीक है? Yes, चलिए कुछ क्वेश्चन आंसर बताइए तो जान जाएगी चैप्टर आपको। yes, मैम आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन है, भगवान ने प्रसन्न होकर ध्रुव को क्या वरदान दिया? पहला क्वेश्चन बताइए क्या होगा इसका आंसर। भगवान ने प्रसन्न होकर ध्रुव को क्या वरदान दिया था? हाँ बताइए आयुषी, बताइए आप, बताइए आयुषी। रिया तुम ही बताओ, रिया आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाँ बताइए, बोलो आगे। कि तुम्हें, तुम्हारी माता और तुम्हें खोया प्यार दुर्गेश आप बताओ में हम एक चमक हो गई। अच्छा क्लियर नहीं आपका आंसर। दुर्गेश नंदिनी आप बताइए, दुर्गेश प्रिया दुर्गेश बताइए, आयुषी अभय नव्यांश जिसे भी आ रहा आंसर बताइए इसका आंसर क्या है। मैम बताओ, कैसे बता सकते हैं, बताइए। और किसी को आंसर नहीं याद आ रहा है? आयुषी अभय दुबे नव्यांश मैम फिर से बता सकते हैं, बताइए बताइए। भगवान ने प्रसन्न होकर दिया कि तुम्हें और तुम्हारी माता को खोया प्यार और सम्मान पूर्ण प्राप्त होगा
और तुम ध्रुव तारे के रूप में हमेशा आकाश में सबसे तेज चमकोगे। वेरी गुड, सही आंसर दिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यस मैम, ध्रुव के साथ राजमहल में कैसा बर्ताव हुआ, बताइए। और कोई बताए दिया आप नहीं, बाकी दुर्गेश नव्यान अभय आयुषी, इसमें से कोई बताए आंसर, जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर, बताओ, बोलो आयुषी, नहीं पता इसका आंसर, चलो जिसे आ रहा वो ही बताए आंसर इसका, बताइए आंसर क्या होगा। हाँ बताओ, ध्रुव के साथ राजमहल में बुरा बर्ताव किया गया। वेरी गुड, बुरा बर्ताव किया गया था और उसे अपमानित किया गया था। ठीक है, क्या किया गया था उसे, अपमानित yes, किया गया था। चलिए ठीक है, तो समझ में आ गया ये चैप्टर आप लोगों को, क्लियर है? Yes, को कोई डाउट? Yes, ma'am. ठीक है, no, ठीक है, फिर यहाँ तक आप लोग एक्सरसाइज कर लीजिएगा और जो प्रॉब्लम होगी नेक्स्ट डे पे जब क्लास होगी तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, बाय। यस मैम, बाय मैम।